हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वेदांता लिमिटेड यानी कि VETL के शेयर के बारे में। तो अगर आप किसी भी शेयर को बाई करने की सोच रहे हैं बट आप कंफर्म बाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अगर आप इस शेयर में पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं, अगर आपको पोजीशन बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो काफी सारे पॉइंट्स मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जो कि आपको इस शेयर में पोजीशन बनाने के काफी सारे पॉइंट्स और डाउट्स क्लियर कर सकती है, जिससे कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन बना सकते हैं और एक बड़ी प्रॉफिट बना सकते हैं, यानी कि एक बड़ी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आइए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स की कंफर्मेशन के लिए आप वीडियो में अभी तक बने रहे हैं और इसी तरह के शेयर्स न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। तो आइए चार्ट से ही स्टार्टिंग करते हैं और एक बड़ी कंफर्मेशन आपको क्लियर करता हूं और इसके सिग्नल्स भी मैं आपको कंफर्म कराऊंगा, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने वन डे कैंडल के साथ VETL का चार्ट यानी कि इस वेदांता लिमिटेड का चार्ट लगा रखा है, और साथ ही साथ आपको कंफर्मेशन के लिए मैंने RSI का इंडिकेटर भी लगा रखा है, और आपकी कंफर्मेशन के लिए मैंने इसके चार्ट्स भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सिग्नल्स क्या मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लियरली आपके सामने जो है VETL लगातार दो दिनों से अप ट्रेंड बनाता हुआ यानी कि बुलिश कैंडल क्लियर करता हुआ आपको देखने को मिला। लेकिन गाइस अगर फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि इसने करीब 4 डेज पहले ही इसने अपना जो है सपोर्ट अचीव किया था और उसके बाद रिवर्सल प्रोवाइड किए, और वहां पे आपको अगले दिन ही इसने डोजी कैंडल आपको क्लियर किया यानी कि बुलिश के डोजी कैंडल, यानी कि गाइस कंफर्म आपको यहाँ पे बुलिश के सिग्नल की मिलने के चांसेस, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल के कैंडल देखने को मिले। और आप देख सकते हैं कि फिर से आपको बीयरिश कैंडल तो देखने को मिला, लेकिन ये आपको अगले दिन यानी कि पिछले दिन के कैंडल से आपको ऊपर ही चलता हुआ देखने को मिला, यानी कि लगातार आपको इसमें हायर लो बनते हुए देखने को मिले। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लास्ट का दो कैंडल और आज का कैंडल भी देखें तो आपको बुलिश कैंडल ही देखने को मिल रहा है, और ये अप का कैंडल आपको प्रोवाइड करा रहा है और ऊपर के सिग्नल की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि इसने आज अपना टारगेट भी अचीव किया है। अगर बात करें गाइस अगले दिन के सिग्नल्स की, तो RSI कंफर्म अभी आपको बाई का ही सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है, बुलिश का सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, यानी गाइस अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको ये क्लीन चिट आपको ये क्लियर जो है सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए गाइस अगले दिन के बन रहे टारगेट्स के अनुसार यानी कि अगले दिन के बन रहे सिग्नल्स के अनुसार मैं आपको टारगेट कन्फर्म कराता हूँ, आप कितने दिन के अंदर यानी गाइस कुछ ही समय के अंदर आप कितने तक का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट टारगेट जो कि 315 का बन रहा था, जो कि इसने आज अचीव भी किया बट उसके नीचे ही चलता हुआ शेयर अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें अगले दिन के सिग्नल्स की, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस आपको काफी क्लियर देखने को मिल रहा है, आपको अगले दिन फिर से बुलिश कैंडल का सिग्नल देखने को मिल सकता है, और लगातार आपको ये फर्स्ट के बाद सेकंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट तक पहुंचने के चांसेस जो है क्लियर कर सकता है और आपको काफी कम समय में काफी बड़ी प्रॉफिट दिला सकता है। तो आइए मैं आपको कंफर्म कराता हूँ इसके कम समय बन रहे टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टारगेट किसका बताया 315 के बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, अगर ये फर्स्ट को ब्रेकआउट कर आगे की ओर बढ़ता है तो गाइस ये 341 के टारगेट जो कि आपको एक बड़ी प्रॉफिट आपको कुछ ही दिनों के अंदर प्रोवाइड करा सकती है, जिससे कि आप काफी अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर बात करें गाइस इसके थर्ड टारगेट की, तो आप देख सकते हैं इसके सामने जो है इसका थर्ड टारगेट 379 का बनते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप कुछ समय के लिए और होल्ड करते हैं तो एक बड़ी प्रॉफिट यानी गाइस कम समय में ही काफी अच्छी आप प्रॉफिट इस शेयर में निकाल सकते हैं। अगर बात करें सपोर्ट्स की, तो गाइस यहां तक आने के चांसेस अभी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपको RSI भी कंफर्म जो है बाई का सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, और अगर कैंडलस्टिक की बात करें तो आप देख सकते हैं काफी वीक होने के बाद जो है यहां से इसने रिवर्सल प्रोवाइड किए हैं और लगातार इसमें हायर लो बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये जो सिग्नल है आपको कैंडलस्टिक भी बाई का ही यानी कि इस बुलिश का इंडिकेट करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो सपोर्ट तक आने के चांसेस अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर एक बात कहें तो गाइस ये अपना टारगेट अचीव किया तो हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि छोटा कैंडल्स जो है आपको अगले दिन बीयरिस का देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वापस से अगर बात करें तो आपको कंफर्म जो है बाई के सिग्नल से देखने को मिल रहा है, आप थोड़े समय के लिए वेट कर सकते हैं और शेयर में अगर चाहें तो आप आज बाई करके थोड़े समय के लिए होल्ड करें तो आपको प्रॉफिट की चांसेस काफी क्लियरली देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आइए आगे की ओर बढ़ रहेगा, इसमें आपको इसके सेकंड टारगेट के साथ इसका जो है कंफर्म टारगेट के बाद इसका सपोर्ट भी क्लियर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने 249 का जो है अपना सपोर्ट अचीव करने के बाद रिवर्सल प्रोवाइड किया, और वापस से अगर बात करें सपोर्ट तक आने के चांसेस की, तो इसके फर्स्ट सपोर्ट जो है 249 की बनती हुई देखने को मिल रही है, और अगर इसको ब्रेक डाउन कर नीचे जाने के चांसेस मैं आपको क्लियर करूँ तो आपको ना के बराबर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर बाई चांसेस ना हो कि की ओर बढ़ता हुआ अगर नीचे की तरफ बढ़ता है तो इसके सपोर्ट्स क्या हो सकते हैं, तो फिलहाल मैं आपको क्लियर करूं 269 है गाइस, 263 का जो है इसका सेकंड सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें गाइस इसके आगे की ओर बढ़ रहे हैं परसेंटेज में आपको क्लियर करूं, तो आप देख सकते हैं ये जो है आज 2.11% से आज शेयर में क्लियरली बुलिश सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको कुछ और पॉइंट्स कंफर्म कराता हूं, जिससे कि आपको एक बड़ी डाउट्स क्लियर हो सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने टिकट टैप पे वेदांता लिमिटेड का चार्ट लगा रखा है, जो कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ से भी डिस्कस करने वाला हूँ और एक बड़ी कंफर्मेशन भी क्लियर कराने वाला हूँ।
तो आगे की ओर बढ़ते हुए गाइस आप देख सकते हैं 2.27% से शेयर जो है आपको ओपन आता हुआ देखने को मिला। अगर बात करें गाइस इसके कुछ पॉइंट्स की तो आप देख सकते हैं अगर इसके इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो ये करंट प्राइस से जो है इसके इंट्रेंसिक वैल्यू आपको आपको यहाँ पे अप देखने को मिल रहा है। गाइस काफी अच्छी न्यूज देखने को मिल रही है कि इंट्रेंसिक वैल्यू आपको यहाँ पे अप देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके रिटर्न्स और एफडी रेट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे डाउन सिग्नल देखने को मिल रहा है, रेड सिग्नल देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस अगर बात करें इसके डिविडेंड रिटर्न्स की तो आपको यहाँ पे इनसफिशिएंट डाटा यानी गाइस कोई भी डाटा देखने को नहीं मिल रहा है, यानी गाइस डिविडेंड जो है आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे भी मैं आपको कंफर्म करूंगा डिविडेंड देखने को मिल रही है या फिर नहीं। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं और देखते हैं इसके एंट्री पॉइंट्स कैसे देखने को मिल रहा है। तो गाइस एंट्री पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है, यानी कि शेयर प्राइस जो है ओवरबॉट जोन में देखने को नहीं मिल रहा है। यानी गाइस अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहें तो श्योरली कर सकते हैं, कंफर्म एंट्री पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। आगे बढ़े और देखें इसके नो रेड फ्लेक्स की, तो गाइस आप देख सकते हैं इसके रेड फ्लेक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे रेड फ्लेक्स देखने को मिल रहा है। यानी गाइस ये शेयर जो है यानी गाइस काफी ज्यादा प्रमोटर्स होल्डिंग आपको गे भी रखी हुई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे रेड सिग्नल देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको कंफर्म कराऊं आप देख सकते हैं आपको अगर इसके ओवरव्यू के अगर सिग्नल्स के देखें तो मैंने आपके सामने मैक्सिमम का चार्ट लगा रखा है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,571.29% की जो है आपको यहाँ पे रिटर्न्स इस शेयर में देखने को मिला है। काफी बड़ी रिटर्न्स आपको ये प्रोवाइड करता हुआ शेयर देखने को मिला है, भले ही ये आप देखें कि ये जो है आपको शेयर होल्डिंग जो है गिरवी देखने को मिल रही है, फिर भी काफी अच्छी रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको कंफर्म कराऊं जो कि मैंने आपके सामने एक बहुत ही बड़ी डाउट्स क्लियर करने के लिए कंफर्म कराया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो है फोरकास्ट का चार्ट लगा रखा है ओवरव्यू के चार्ट के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 एनालिस्ट का आप समझ सकते हैं 17 एनालिस्ट की एक बहुत ही बड़ी कंफर्मेशन जो कि 71% की कंफर्मेशन क्लियर कर रही है कि आप इस शेयर में श्योरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ सकते हैं गाइस आपको एक बहुत ही बड़ी डाउट्स क्लियर हो रही है 71% की कंफर्मेशन के साथ इस शेयर की कि आप इस शेयर में चाहे तो श्योरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बची 29% की कंफर्मेशन, तो आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें, 29% की कंफर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और आपको कंफर्म कराने वाला हूं। तो गाइस आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ कवर करना चाहूंगा जो कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो है आज का ही न्यूज़ आपके सामने चार्ट में लगा रखा है जो कि आप देख सकते हैं विटनेस 3 नवंबर का आपके सामने मैंने चार्ट लगा रखी है। अगर बात करें इसके न्यूज़ की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेदांता लिमिटेड की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो है सेसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड SMCL ने, यानी कि SMCL के निदेशक मंडल ने देसाई सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। तो गाइस अगर आप यहाँ पर थोड़ा फोकस करें तो आप समझ सकते हैं कि ये काफी अच्छी न्यूज और काफी बड़ी न्यूज आपको इस शेयर में देखने को मिले। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इसके कुछ पॉइंट्स और आपको कंफर्मेशन क्लियर करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो है वेदांता लिमिटेड का चार्ट लगा रखा है और मैंने आपके साथ इसकी डिलीवरी भी डिस्कस किया है, जो कि अगर इसकी दिल्ली की डिलीवरी की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने 2 नवंबर का चार्ट लगा रखा है जो कि 32.9% की डिलीवरी आपको इस शेयर में देखने को मिली। अगर बात करेगा इसके 1 नवंबर की डिलीवरी की तो 30.8% की डिलीवरी देखने को मिली थी, जो कि आपको 2 अक्टूबर में आपको यहाँ पे 2 नवंबर में जो है आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके ट्रेडेड क्वांटिटी क्या रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 1,77,51,850 की जी इसकी ट्रेडेड क्वांटिटी देखने को मिली। आगे बढ़ते गए अगर इसके डिलीवर्ड क्वांटिटी की फोकस करें और बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 58,34,103 की जो है इसकी डिलीवरी, यानी गाइस 32.9% की डिलीवरी देखने को मिली। यानी कि अगर बात करें तो शेयर में बायर्स काफी ज्यादा मात्रा में हावी होते हुए देखने को मिल रहे थे। तो गाइस ये बिना न्यूज के, यानी गाइस न्यूज तो आज की आपको देखने को मिली, लेकिन मैं आपको इसके कल का न्यूज का आपको गाइस कल के इसके डिलीवरी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज का अपडेट मैं आपको रेगुलर अपडेट करता रहूंगा जो कि इसमें अपडेट आप खुद से भी देख सकते हैं, आपको इसमें जो है काफी बढ़ोतरी जो है इसके डिलीवरी में देखने को मिल सकती है जो कि आप लगातार देखें तो 2nd से 3rd नवंबर की बात करें तो आपको इसमें बढ़ती ही देखने को मिल सकती है, जो कि अगर देखेगा तो बिना न्यूज की ही आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली इसकी डिलीवरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अपडेट्स जानते हैं। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हुए थोड़ी इसकी फंडामेंटल को फोकस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर इसकी कुछ डिटेल्स की बारे की जानकारी ले तो आप देख सकते हैं इसका अगर मार्केट कैप के मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1,14,545 करोड़ की इसकी मार्केट कैप आपको देखने को मिल रही है। काफी बड़ी मार्केट कैप आपको इस शेयर की देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हुए अगर इसके ईपीएस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 49.96 की इसकी ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर देखने को मिली। लेकिन गाइस आगे हुए बढ़ते हुए इसके पी यानी कि प्राइस अर्निंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.17 की जो है इसकी प्राइस अर्निंग देखने को मिली। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर इसके इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग की बात करें तो आपको 10.81 की इसकी प्राइस अर्निंग, जो कि आपको इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग से इस शेयर के प्राइस अर्निंग को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं काफी डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि अगर बात करें गाइस तो काफी सस्ती प्राइस पे आपको ये शेयर देखने को मिल रहा है जो कि इंडस्ट्री प्राइस से भी अभी आपको ये शेयर प्राइस
डाउन देखने को मिल रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इस डिविडेंड की। तो आज आप देख सकते हैं कि इसके डिविडेंड जो है 3.08% की आपको यह शेयर में जो है डिविडेंड प्रोवाइड करता हुआ शेयर देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कंफर्म कराया था ये टिकट ऐप पे कि जो है डिविडेंड आपको कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्म मैं आपके साथ इसका डिविडेंड भी डिस्कस कर रहा हूँ। 3.08% के डिविडेंड जो कि आपको एक बड़ी प्रॉफिट दिला सकती है, जिससे कि अगर आप इस शेयर में थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो एक बड़ी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइबर्स क्या देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 371.72 करोड़ के इसके नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइबर, यानी कि काफी सारे चहेते इस शेयर के आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि आगे बढ़ने के चांसेस क्लियर कर सकते हैं और काफी अच्छी इस शेयर को देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इसके शेयर होल्डिंग क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके पास कितने परसेंट का शेयर होल्डिंग है, ये आपके साथ मैं थोड़ी डिस्कस करता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर बात करें कंपनी के प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग की, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जो कि मैं आपके सामने 9/1/2021 का चार्ट आपके साथ डिस्कस किया, जो कि 65.18% की जो है आपके पास शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स के पास देखने को आपको मिल रहा है, जो कि अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो गाइस आपको पिछले क्वार्टर में जो है थोड़ी आपको लगभग एक समान ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन अगर उससे पहले तो आपको थोड़ा ज्यादा ही डाउन देखने को मिल रहा था, लेकिन आपको ये लगभग दो क्वार्टर से एक समान ही देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्लैट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी जो है प्रमोटर्स ने इस शेयर में अपनी होल्डिंग बनाए रखी है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रमोटर्स के पास टोटल बच रहा है पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग, तो मैं आपको थोड़ी डिफरेंट करके दिखाता हूँ। डिफरेंट करके और देख सकते हैं यहाँ पे कि 8.69% की शेयर होल्डिंग आपको यहाँ पे FII के पास देखने को मिल रही है। अगर DII की बात करें तो आप देख सकते हैं 11.93% की शेयर होल्डिंग, और अगर गाइस बात करें नॉन इंस्टीट्यूशन की तो आप यहाँ पे देखते हैं 9.88% की शेयर होल्डिंग, यानी गाइस देखें तो DII के पास शेयर होल्डिंग काफी अच्छी देखने को मिल रही है, यानी कि अगर इन तीनों को एक साथ ऐड करते हैं तो टोटल पब्लिक की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30.50% की शेयर होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है पब्लिक के पास, जो कि अगर देखें तो प्रमोटर्स के पास पब्लिक के पास काफी अच्छी शेयर होल्डिंग भी देखने को मिल रही है। तो अगर आप इन शेयर इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इनके जो है विश्वास पे इनके शेयर होल्डिंग के साथ आप भी ऐड होना चाहते हैं, तो शेयर को बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, एक बड़ी प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें और बेटर सजेशन के लिए आप हमें ऐड यानी कि ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर करें। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स गाइस, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के सेल्स न्यूज हमेशा पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेटर सपोर्ट के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।